अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ बेसिकली डिफाइंड एज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करने से पहले हम वाटर रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के इन्वायरमेंट में हमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत है और किस इन्वायरमेंट में हमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है सच। तो यार के वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाय अ सिंबल कॉल्ड एस साई। इसको हम स्पेल करते हैं PSI से। पी साइलेंट है तो ऐसे बोला जा रहा होता है, वर्ड बिकम साई। साई W मीन्स वाटर पोटेंशियल। तो हम इन्वायरमेंट डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपो मतलब होता है लो, टोनिक कहते हैं कंसनट्रेशन को। इट मीन्स इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो कम है। अंडरस्टूड है कि जो वाटर पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। तो फिर इन दिस केस जो सेल है इस इन्वायरमेंट के अंदर या कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो हम जानते हैं वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। सो इस केस के अंदर वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा होगा? फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द सेल, और यू कैन से इनटू एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो इस सूरत हाल में जो कंडीशन बनेगी वो बन रही होगी एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर। और उसमें अगर इस इन्वायरमेंट में प्लांट सेल मौजूद होगा तो प्लांट सेल के गिर्द की सेल वॉल होती है, इट बिकम स्ट्रेचेड। पर अगर इस कंडीशन के अंदर अगर एनिमल सेल मौजूद होगा लाइक रेड ब्लड सेल, इट विल बर्स्ट क्योंकि उसके गिर्द सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए एडाप्टेशंस कौन कौन सी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, और तो किस तरह ज़्यादा मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे इस तरह की इन्वायरमेंट को? या तो वो प्रिवेंट करेंगे एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, या फिर वो रिमूव करेंगे एक्सेस वाटर को लाइक इन केस ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। वो एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव कर रही होती हैं बाय प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। अगर हम सेकेंड इन्वायरमेंट देखते हैं दैट इज हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट। हाइपर कहते हैं हाई को, टॉनिक कहते हैं कंसनट्रेशन को। इट मीन्स कि यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है वो काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर मौजूद है। तो अंडरस्टूड है कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा? फिर यहाँ पर कम होगा और सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्यूट कैन इंटर फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। और वाटर की बॉडी में ज़्यादा है तो रूल ये, वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो वाटर फिर आ रहा होगा सेल के अंदर, सेल के बाहर। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ी होंगी? एक तो एक्सेस एंट्री हो रही होगी सॉल्ट्स की बॉडी के अंदर, और दूसरा अगर हम देखें तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एज वेल। अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल से अगर पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो कंडीशन जो बन रही होगी उसे हम कह रहे होंगे प्लास्मोलिसिस। प्लास्मोलिसिस इज अ श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर। अब इस कंडीशन को कॉप किस तरह करना है जो इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहते होंगे? तो वो तीन तरह से कर रहे होंगे। या तो प्रिवेंट, दे विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्यूट्स इन द बॉडी। सेकेंड मैकेनिज्म ये होगा, दे विल मूव एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। वो कोशिश करेंगे जो एक्सेस सॉल्ट बॉडी को बाहर निकाल दें, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ किडनीज और विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स।
और उनकी कोशिश ये भी होगी कि वो लगातार बॉडी से पानी बाहर निकल रहा होगा, दे विल ट्राई टू कंजर्व वाटर, दे विल ट्राई कि वाटर की जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाए। अब थर्ड जो एनवायरनमेंट है डैट इज़ बेसिकली आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, आइसो मतलब होता है सेम और सिमिलर, टोनिक मीन्स कंसनट्रेशन, इट मीन जहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो जितना बाहर मौजूद है एनवायरनमेंट के अंदर उतने वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर मौजूद है, तो डेट इज इक्वल। तो जो जितना पानी बॉडी के बाहर आ रहा होगा उतना ही बॉडी के अंदर जा रहा होगा, जिस नो नेट गेन और नेट लॉस। इट मीन्स कि इस एनवायरनमेंट के अंदर दिस नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और ऐसे जानदार जो इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं उन्हें कहा जा रहा होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स लिव इन एन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, जबकि ऐसे जानदार जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं दे डेफिनेटली हैव टू मेंटेन द इंटरनल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। सो इट मीन्स कि एनिमल्स की दो कैटेगरीज हो जाएंगी, एक ऑस्मो रेगुलेटर्स और दूसरा ऑस्मो कन्फर्मर्स। सो इसी बेस पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई भी कर लेते हैं। पहले हमने कहा ऐसे एनिमल्स जो को रेगुलेट करते हैं दे रेफर्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर्स, सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर में आ जाएंगे मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स, इसमें सिर्फ एक वर्टिब्रेट शामिल है, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट कॉल्ड एज हैग फिश। जबकि इन केस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन हम ह्यूमन बींग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ह्यूमन बींग का जो मेन या प्रिंसिपल ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है डेट इज किडनी। किडनी हम जानते हैं इसका जो प्राइम फंक्शन है इज एक्सक्रीशन, बट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन। सो डैट वॉज अ डिटेल्ड लेक्चर अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स और एनवायरमेंट्स के एनवायरमेंट्स हमें ऑस्मो रेगुलेशन को करना है, और ऐसे हम तो ये करेंगे नहीं कहेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स, और किस एनवायरमेंट में हमें ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म नहीं करनी डेट इज आइसोटोनिक एनवायरमेंट, और ऐसे जानते कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ऑस्मो कन्फर्मर्स हम देखें तो ओनली वन वर्टिब्रेट्स में आता है डेट इज हैग फिश। उम्मीद है कि सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।